तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में। तो गाइस आज हम लोग खेलने जा रहे हैं आइसक्रीम 2। तो गाइस इस गेम में बेसिकली एक आइसक्रीम अंकल होते हैं जो कि आइसक्रीम देने के बहाने बच्चों को किडनैप कर लेते हैं और हमें उन बच्चों को आइसक्रीम अंकल से रेस्क्यू करवा के वहां से एस्केप करना होता है। लेकिन हमें उसके सामने बिल्कुल भी नहीं जाना है वरना वो हमें पकड़कर हमारी आइसक्रीम बना देगा। हमें उससे छिप छिप कर अपने फ्रेंड्स को वहां से रेस्क्यू करवाना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, दिसंबर 1982। तो गाइस ये हमारा फ्रेंड चार्ली है और ये हमारे बाकी के फ्रेंड्स हैं जिनका नाम तो मुझे नहीं पता। और हम यहाँ पर बैठकर आइसक्रीम अंकल की ड्राइंग बना रहे हैं और हमारे पास एक सस्ता सा कंप्यूटर पड़ा हुआ है जो कि कुछ ज़्यादा ही पुराने ज़माने का है और उस पर लिखा हुआ है आइसक्रीम 2। तो हमें अभी यहाँ से विंडो से बाहर देखना है। तो गाइस यही है वो आइसक्रीम अंकल जो कि अपनी वैन लेकर यहाँ पर आया हुआ है और वो इस लड़की को परेशान कर रहा है। वो इससे आइसक्रीम मांग रही है और वो दे ही नहीं रहा और ऊपर से हमें खेलने के लिए बुला रही है। अबे यार चली जाए यहाँ से, आइसक्रीम अंकल तेरे को पकड़ के ले जाएगा, बहुत खतरनाक है वो। अबे मेरे को भी फंसवाएगी यार ये। ओ भाई पकड़ लिया भाई साहब, मैं बोल ही रहा था कि उसको पकड़ लेगा। ओ दिख लिया, उसने जमा दिया सीधा उसको। पता नहीं क्या मुंह से हवा सी निकालता है यार, अजीब सी। लिस नीड्स योर हेल्प, पिक अप द ब्लैंकेट फ्रॉम द बेड एंड यूज इट टू गेट डाउन टू द ग्राउंड। ओके, तो हमें यहाँ से बेड की ब्लैंकेट उठानी है। और हमारा रूम देख लो काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। ये ब्लैंकेट को लेते हैं, एक मिनट पहले ड्रॉस वगैरह देख लेते हैं, काफ़ी सारे हैं। यहाँ पर एक स्लिंग शॉट पड़ा हुआ है, ये ड्रॉर तो खाली है। बाकी ड्रॉस भी चेक कर लेते हैं, ये ड्रॉर भी खाली। अबे यार सारे ड्रॉस ही खाली हैं क्या? और ये लास्ट वाला ये भी खाली। भाई साहब बहुत सही, इसको नीचे फेंक देते हैं, ये हमारे काम आएगा बाद में आइसक्रीम अंकल के मारने में। तो अबे नीचे नहीं गया, दोबारा फेंकते हैं इसको। अबे यार ये नीचे नहीं जा रहा, शायद मैं इसको नहीं ले जा सकता। ये ब्लैंकेट उठाते हैं यहाँ से, ब्लैंकेट को लगाते हैं यहाँ पर और अब चलते हैं यहाँ से नीचे। आई थिंक अब शायद मैं इसको उठा लूँगा। ओ भाई बहुत सही, स्लिंग शॉट हमें मिल चुका है लेकिन इसमें शॉट एक ही है यार सिर्फ। कोई बात नहीं, आइसक्रीम अंकल के बजाने के काम आएगा। तो हमें यहाँ पर अभी छिपना है। तो गाइस आइसक्रीम अंकल अपनी वैन से बाहर आ चुका है और ये फुल चौड़ में गाना गाते हुए जा रहा है यार। भाई साहब काफ़ी खतरनाक है यार ये तो। लेकिन इससे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है गाइस, क्योंकि हमारी स्पीड इससे ज़्यादा तेज़ है चलने की। और इसकी जेब से एक मैप गिर चुका है जो कि हमें जाकर उठाना है। तो फटाफट से चल के मैप उठा लेते हैं। लेकिन एक सेकंड, पहले वो आइसक्रीम अंकल कहाँ है उसके चल के बजा देते हैं। मुझे लगता है पहले मुझे मैप उठाना पड़ेगा। ये उठाया मैप, ये दोबारा से उठाया स्लिंग शॉट, अब कहाँ है वो भाई? सामने आ जा जल्दी से, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। आ जा आ जा आ जा बेटे, इस तरफ आ जा उठे, ये खा। ओ भाई शॉट मिस हो गए। अबे यार शेट। ओ भाई ये भी नहीं मैं उठा सकता, अब तो एक ही शॉट था यार उसमें। इसको ओपन कर देते हैं, जल्दी से चल के बैठ जाऊंगा मैं। आ जा आ जा पीछे आ गया, आ रहा वो। ये उठाया यहाँ से मैप और अभी चलते हैं यहाँ से। अबे भाई मुझे लगा कि वो यहाँ से जा चुका है। ओके गाइस, तो वापस से मैं अपने रूम के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर कुछ काम का तो है नहीं। ये ड्रॉर वगैरह देख लेते हैं और ये कंप्यूटर तो किसी काम का नहीं होगा। ये ड्रॉस बाकी के चेक कर लेते हैं, क्या पता स्लिंग शॉट मुझे दोबारा से मिल जाए। ये भी खाली, ये भी खाली, सेंटर वाला ये भी खाली। भाई साहब यहाँ पे कुछ भी नहीं है यार काम का, सब कबाड़ भर रखा है। कबाड़ भी क्या है यार, कुछ है ही नहीं, खाली है सब के सभी ड्रॉस। गाइस आप लोगों को याद होगा कि ये मिक्सर जो है, जूसर था जो भी है, ये हमें चार्ली ने दिया था जब हमने उसको पिछली बार आइसक्रीम अंकल से बचाया था। आइसक्रीम अंकल आई थिंक नीचे ही है पूरा, उसने मुझे देखा था नहीं, आई थिंक नहीं देखा उसने मेरे को। यहाँ से निकल लेते हैं। ओ भाई अभी उसने देख लिया यार मेरे को। भाई साहब टाइम पे छिप गया मैं, आई थिंक उसने नहीं देखा मेरे को। ओ भाई ये तो इस तरफ आ रहा है। भाई तेरा वैम हुआ कोई नहीं था यार वहाँ पे। भाई छोड़ दे इस बार, छोड़ दे इस बार, छोड़ दे। तो गाइस ये आइसक्रीम अंकल कब से मेरा दिमाग ख़राब करे जा रहा है यार, अब नहीं मैं छिपने वाला। निकल तो यहाँ से, इसको उठाते हैं, मैप को यहाँ से उठाते हैं। ये डोर ओपन कर देता हूँ मैं। अबे मैं अटक गया भाई, ये गलत बात है यार। ओके गाइस यार मैं दोबारा से नीचे आ चुका हूँ लेकिन ये आइसक्रीम अंकल मेरा पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। ये खा तो, ये इसके फेंक के मार दूंगा। ये ले, अब आया ना चक्कर। भाई साहब ये सही तोड़ मिल गया यार उसका, जो भी हाथ में बस फेंक के मार दो उसके। ये लगा दी यहाँ पे मैप और अभी देखते हैं कहाँ पे चलना है हमको। सर्कस सिनेमा सिमेट्री, सबसे ऊपर वाले पे चलते हैं स्टॉल पे, क्योंकि इसका मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है कि कैसा होने वाला है। बाकी जगहों का तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। तो ओके गाइस यार हम स्टॉल पे पहुँच चुके हैं फाइनली और ये कर दे इसने पीछे से डोर भी बंद। और ये देख लो गाइस ये पुरानी सी इसकी गाड़ी है वैन,
और गाइस हमें ये केज की की ढूंढनी है, केज की, और इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालना है। इसका नाम है लिस। अबे हंस दे थोड़ा सा भाई साहब। ये इसके पास थोड़ा सा मिल्क वगैरह रखा हुआ कुछ, तो आई थिंक पता नहीं क्या है, ये आइसक्रीम बनाने का सामान होगा शायद। तो यहाँ से डोर को ओपन करके बाहर निकलो मैं। आइसक्रीम निकल के मुझे आवाज़ आ रही है वैसे। अबे यार है तो नहीं वो यहाँ पे, जा चुका है ना। हाँ निकलते हैं अभी बाहर से, भग लूँगा मैं सीधा। अबे वो नहीं है यार यहाँ पे, शायद मेरा वहम होगा। दूर से भी आवाज़ आती है वैसे उसकी। वो इस तरफ आएगा अभी, मुझे पता है कन्फर्म वो इस तरफ आएगा, क्योंकि भाई मैंने पीछे फुटस्टेप आए थे। हाँ देखा, मैंने कहा था ना गाइस वो उसी तरफ गया। अभी इस तरफ जल्दी से चेक कर लेते हैं, क्योंकि वो कभी भी अंदर आ सकता है भाई। ये क्या है, टूल बॉक्स। ओ तो भाई हमें यहाँ से एक प्लायर्स मिल चुके हैं, और आई थिंक ये प्लायर्स पता नहीं कहाँ पे यूज़ होने। ओ भाई आइसक्रीम अंकल बाहर खड़ा है, ये शायद इस तरफ आ रहा है, नहीं सामने जा रहा है, ये सामने जा रहा है। तो भाई आई थिंक एक जगह से एक ही चीज़ मिलेगी। आई थिंक ये छोटी सी जगह है, यहाँ से क्या ही मिल जाएगा। और एक और टूल बॉक्स है, ये भी खाली, ये भी खाली, ये भी खाली, और ये भी खाली। भाई साहब इतनी बड़ी क्या करने रखी है यार। भाई वैसे ऐसी जगह पे ना एक ही चीज़ मिलती है ज़्यादातर काम की, बाकी ज़्यादा कुछ तो मिलता नहीं है। कोई बड़ी जगह हो तो अलग बात है। ये भी खाली। भाई साहब कितना बड़ा पिंजरा रखा हुआ है यहाँ पे, ये शायद बच्चों को कैद करने के लिए रखा है इसने। आइसक्रीम अंकल कहाँ पे? ओ भाई इस तरफ आ रहा है, आ जा आ जा आ जा मोटे इस तरफ आ। तो मोटा तो नहीं है यार ये, तो आ गए आ गए इस तरफ आ गए। मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, यहाँ पे छिपने की तो ज़रूरत नहीं है मुझे। ये क्या है, गेट। ओ यहाँ पर एक गेट जा रहा है, वायर। भाई इसको अनलॉक कर दिया मैंने, आई थिंक नहीं किया। आइसक्रीम अंकल है, नहीं है नहीं है नहीं है, इसको अनलॉक कर देते हैं। अनलॉक हो चुका है ये। ओ अबे यार यहाँ पे कैंडल्स पड़ी हुई हैं। ओ शोर हुआ शोर हुआ, उसकी आवाज़ आई है। आई थिंक वो चेक करने जाएगा अभी, पता नहीं। बाकी मुझे लगा कि वहाँ पर कोई टनल वगैरह कुछ ज़्यादा होगा, लेकिन वहाँ पर तो कुछ भी नहीं था। तो यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से पहले डोर बंद कर लेते हैं, पता चले पीछे से आइसक्रीम अंकल आकर धप्पा कर दे। तो अभी चलते हैं सिमेट्री पे, सिमेट्री पे चलते हैं ना। हाँ पहले सभी ऊपर वाली जगह पे जा चुके हैं, अभी नीचे वाली जगह पे चलेंगे। ओके गाइस तो हम सिमेट्री पे पहुँच चुके हैं, और आई थिंक ये कोई चर्च वगैरह है, नहीं तो गाइस ये एक ग्रेवयार्ड है। आई थिंक ग्रेवयार्ड को ही सिमेट्री बोलते होंगे, बाकी मुझे पक्का पता नहीं है। मैंने शायद कहीं पर देखा था ग्रेवयार्ड को सिमेट्री लिखा हुआ था, बाकी पता नहीं। इसको यहाँ पर रखते हैं क्योंकि इसका अभी कोई काम नहीं है, पता नहीं। अबे मुझे लगा वो लड़की मेरे से बात कर रही थी। ठीक है, इट सीम्स दैट कैट इज वॉचिंग द लेडी। कैट कहाँ पे? ओ तो ऊपर एक कैट बैठी हुई है, मुझे इसका क्या करना है पता नहीं। देखते हैं अभी आगे चल के देखते हैं, कुछ तो काम होगा। आइसक्रीम अंकल तो नहीं है, नहीं है नहीं है, यहाँ से निकल जाते हैं। दीवार टूटी हुई है, ये सही है शॉर्टकट। आ जाए आइसक्रीम अंकल इस तरफ। उसने देख लिया मेरे को, लेकिन यार मेरी स्पीड ज़्यादा है। ये क्या, अबे यार छिपना नहीं है मेरे को भाई, भाग के खेलना है सारा, जल्दी जल्दी कंप्लीट करनी है गेम को, ज़्यादा छिपना नहीं है भाई। गेट कितना अच्छा लगा रखा है, लेकिन ये ओपन ही होगा। ओह दीवार टूटी हुई है यहाँ पे, यू हैव नथिंग टू प्लेस देयर। तो हमें यहाँ पर शायद कुछ ला के रखना है। और ये क्या है, ओह ये तो आइसक्रीम अंकल। ये क्या है you were my own family. भाई ये तो आइसक्रीम अंकल के आई थिंक फादर का है कुछ, फादर के बारे में कुछ ये बात कर रहा है आइसक्रीम अंकल। उसका जो भी होता है ग्रेव, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, उसकी कवर सी बना रखी है यहाँ पर। आइसक्रीम अंकल के शायद फादर की डेथ हो चुकी है, पता नहीं यार। ओ नाउ आई एम ओल्डर। तो गाइस आइसक्रीम अंकल भी अपने फादर की तरह एक बड़ा आइसक्रीम मेकर माना जाता है, शायद इसका फादर भी इसी की तरह था, बाकी पता नहीं। ओ भाई उसका चेहरा टूट गया और आइसक्रीम अंकल जैसा बन गया, जैसा अभी है भाई। ये क्या है, टॉम स्टोन इंटरेक्ट, यू कुड पुट सम कैंडल्स हियर। ओ तो यहाँ पर कैंडल्स चलने, कैंडल्स मेरे पास है, जल्दी से उसको लेके आते हैं यहाँ पर। और ये क्या है, ये पता नहीं टूटी सी लगी हुई है यहाँ पर, पता नहीं किस काम की आएगी। यहाँ से कैंडल लेता मैं जल्दी से यहाँ पर, ये उठाई कैंडल्स ये रही, हाँ ये उठाई कैंडल्स। अबे यार पता नहीं तेरे से क्या जाता है यार, ये मेरे से बातें कर रही है भाई साहब। एक तो ये मेरे पीछे पड़ा ऊपर से, ये पूछ रहे आइसक्रीम अंकल क्या चाहता है। भाई आइसक्रीम अंकल तेरे साथ गिल्ली डंडा खेलना चाहता है और कुछ। तो गाइस यार मैंने यहाँ पर कैंडल्स तो लगा दी हैं, अब क्या, अब क्या होगा भाई। ओ भाई आइसक्रीम अंकल आ रहा है, यहाँ पे छिप जाते हैं। वैसे छिपने की ज़रूरत क्या है, यहाँ पे एक दीवार टूटी हुई है। अबे यार इस तरफ आ रहा है ये, आ जा आ जा आ जा इस तरफ गया। आई थिंक वो जा चुका है यहाँ से। जल्दी से वैन में तो अभी नहीं बैठना है मेरे को, क्योंकि पूरी जगह मैंने एक्सप्लोर नहीं की है।
तो गाइस यार ये डोर भी ओपन नहीं हो रहा, मुझे तो यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है मेरे को। बाकी आइसक्रीम अंकल पता नहीं यार कहाँ पे है, तो जल्दी से यार यहाँ से निकल लेते हैं। मैं कहता हूँ अभी कहाँ पे चलते हैं, अभी चलते हैं मैं कहता हूँ सिनेमा पे चलते हैं, सिनेमा पे चलते हैं। सेंटर वाले सर्कस कुछ ज़्यादा ही तगड़ी वाली जगह लग रही है, वहाँ पे लास्ट में जाएंगे क्योंकि बढ़िया चीज़ को लास्ट के लिए बचा के रखना चाहिए। तो गाइस यार हम अभी पहुँच चुके हैं सिनेमा पे, नन कोला के पास, पता नहीं कौन सी है कोका कोला की सस्ती कंपनी है, उसके पास अपनी वैन को पार्क कर दिया है। काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्लेस है यार ये, तो यहाँ से बाहर निकलते हैं। आइसक्रीम अंकल तो नहीं है, नहीं है नहीं है नहीं है वहाँ पे, अब ये सही है यार आइसक्रीम अंकल नहीं है, उसकी आवाज़ तो पता नहीं क्यों आ रही है मेरे को ये। अबे डिक्कियाँ खोल सकता हूँ मैं इस कार की, सभी की खोल सकता हूँ आई थिंक। आइसक्रीम अंकल आगे गया है। ओह गाइस मेरे को किसी कैट की आवाज़ आ रही है, पता नहीं यार शायद मेरा वहम था, पता नहीं आ रही है किसी कैट की आवाज़ आ रही है। ओह आइसक्रीम के सामने, अभी उसका चेहरा लाल था, ओह मुझे लगा उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा है। यहाँ पर मुझे पिकल्स मिल चुके हैं, पता नहीं ये क्या है किस काम आएंगे। अबे ओ भाई यार यहाँ से भागो 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 यहाँ से यार, ये पकड़ तो मेरे को पाएगा नहीं, एक तो दिमाग अलग ख़राब करता है यार ये। अबे यार तू चले जाना यार, तेरा मैं क्या करूँ इसका। मैं भाई साहब इसको अपनी वैन में रखते हैं, और यहाँ पे ओ यहाँ पर एक परफ्यूम है, इसको भी अपनी वैन में रख देते हैं, काम आएगा। पता नहीं क्या गया भाई साहब, इतनी सारी गाड़ियाँ इसको मैं चेक कैसे करूँगा, ऊपर से ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। एक और ट्रंक खोल दी, ओह गाइस इसके अंदर से मुझे एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा रूबिक्स क्यूब मिल चुका है। बे यार निकल यहाँ से, भाई साहब बच गया बच गया, भाई मैं अटक गया था फिर से उसके अंदर, भाई इस बार नहीं मरना यार, मैं बहुत सही जा रहा हूँ। आइसक्रीम अंकल मेरे को नहीं पकड़ पाएगा यार, बहुत बड़ी जगह है, वैसे भी कहाँ पकड़ पाएगा यार वो, कोई बात नहीं बहुत धीरे चलता है वो। अबे यार एक तो चले जाना तू यहाँ से, दिमाग अलग ख़राब कर रहा है यार। मुझे कैट की आवाज़ आ रही है यहाँ से, पता नहीं क्यों, आई थिंक कैट का कोई लेना देना है। वहाँ पर भी एक कैट थी जो कि मरी हुई थी, मरी हुई तो नहीं थी, मरी हुई आंटी के ग्रेव के ऊपर थी वो। ये इसको यहाँ पर रखते हैं, ग्रेव ही बोलते हैं शायद आई थिंक उसको, बाकी पता नहीं। तो गाइस यार मैंने काफ़ी सारी ट्रंक्स चेक कर ली हैं, और यहाँ पर एक टूल बॉक्स पड़ा है, और मुझे एक टैडी मिल चुका है। और यार ये एक और पूछी, भाई साहब ये किस काम आने हैं यार, इतने सारे खिलौनों का मैं करूँगा क्या, पता नहीं यार। इसको रख देते हैं अपनी वैन में, ये रखते हैं वैन में। भाई मैं देख रहा हूँ कब से आइसक्रीम अंकल उस रूम के अंदर जा रहा है, पता नहीं यार उस रूम के अंदर कुछ तो है, उसके अंदर जाना होगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर कर लेता हूँ इस जगह को। आइसक्रीम अंकल आ रहा है, आ रहा है आ रहा है, भाई आ जा आ जा आ जा आ जा मोटे, तो इस तरफ इस तरफ इसको घुमा के लेके जाऊँगा, और फिर मैं उसके रूम के अंदर जाऊँगा यार, उसके अंदर देखना है कुछ तो होगा वहाँ पर, पता नहीं क्या है। आइसक्रीम अंकल आ रहा है, यहाँ से जल्दी से निकल लेते हैं और उस रूम के अंदर निकल देंगे जल्दी से। ओके गाइस तो फाइनली मैं इस रूम के अंदर आ चुका हूँ। ओह तो इस कैट की आवाज़ आ रही थी, टू कैरी द अलार्म क्लॉक यू नीड टू फाइंड समथिंग टू रिप्लेस विद इट। ओह तो गाइस मैं समझ गया, आई थिंक मुझे वो कैट जो वहाँ पर बैठी हुई है उस कैट को यहाँ पर बिठाना है। ओके ये डोर तो बंद है, ये किस लिए, अबे यार ये छिपने के लिए। आइसक्रीम अंकल तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा नहीं आ रहा, पता नहीं भाई। आई थिंक मुझे इस अलार्म क्लॉक यू टू कैरी टू प्लेस यू नीड टू फाइंड अदर थिंग। ओके तो गाइस मैं समझ गया हूँ, मुझे वो कैट को वहाँ से लाना होगा और उसको इस जगह पर बिठाना होगा, लेकिन मैं उसको लेके कैसे आऊँगा। भाई ये लास्ट वाली दो कार्स बची हैं, इनमें भी देख लेते हैं। ओह यहाँ पे कुछ था, टूल बॉक्स, इसके अंदर ये भी खाली है यार आई थिंक। ओ नहीं 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 कुछ है कुछ है, एलन रेंच, रेंच मिल चुका है गाइस मुझे यहाँ से। अबे भाई बच गया बच गया बच गया, भाई साहब उसके मुंह के आगे से निकला हूँ मैं, जल्दी से निकल लेते हैं यार से, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रहा है यार ये गाइस ये तो मेरा। तो इस तरह ये किया यहाँ पे साउंड, अभी ये यहाँ पर चेक करने के लिए आएगा क्या है यहाँ पर, और मैं निकलूँगा अपनी वैन में। यस भाई साहब पहले डोर बंद कर लो यार, वरना पीछे से पता चले वो आ जाए। अब कहाँ जाना है, अब चलते हैं सर्कस पे, सर्कस पे चलते हैं। यहाँ पर मैं नहीं गया ना, बाकी जगह में तो जा चुका हूँ मैं। ओके गाइस तो अपनी वैन को लेकर हम पहुँच चुके हैं सर्कस पे, तो अपनी वैन ही बोलेंगे इसको क्योंकि कंट्रोल भी हम ही कर रहे हैं। तो आइसक्रीम अंकल ने इसको पार्क, भाई साहब बहुत ही ज़्यादा हैवी ड्राइवर हो रहा है यार ये तो, क्या ही ड्रिफ्ट मारी है वैन की। कोई बात नहीं, पहले मेरे पास सामान क्या है वो मैं देख लेता हूँ। एक रेंच है, एलन रेंच,
और काफ़ी सारे पुशीस हैं, परफ्यूम है, और बाकी तो कबाड़ सा भर रखा है यार मैंने, पता नहीं किस काम आएगा ये, बाकी शायद तो कहीं तो यूज़ आएगा। भाई साहब घर कितना बड़ा था, पता नहीं किसका होगा। तो गाइस अभी अभी मुझे देखो क्या दिखा, ये अपना फ्रेंड माइक और चार्ली। भाई साहब अबे हे यू ओनली दोस्त हुआ देयर आइडेंटिफिकेशन कार्ड कैन एंटर हेयर आइडेंटिफाई योरसेल्फ। अबे मोटू तेरे को मैंने बचाया था आइसक्रीम अंकल से, अभी मुझे से आइडेंटिफिकेशन मांग रहा है मेरी। भाई ये तो बड़ा तेज है यार, मेरे को अंदर ही ले रहा। तो गाइस आई थिंक मुझे अभी अपने आप को आइडेंटिफाई करना होगा, तो आइडेंटिफिकेशन कार्ड मुझे कहाँ से मिलेगा पता नहीं। बाकी ये कुछ डस्टबिन्स हैं, इनके अंदर चेक कर लेता हूँ शायद मिल जाए। तो गाइस यार मैंने काफ़ी सारे डस्टबिन चेक कर लिए और मैं कब से घूम रहा हूँ यहाँ पर, और ये मेन सर्कस आ चुके। अबे यार आइसक्रीम अंकल आ गया। और गाइस ये सर्कस तो काफ़ी ज़्यादा छोटी है, बेसिकली छोटी नहीं है, एक साइड से बंद है, पता नहीं कैसे अनलॉक होगी ये। लेकिन आइसक्रीम अंकल एक तो यार मेरे पीछे पड़ा हुआ, उससे मुझे पहले पीछे छुड़ाना होगा। और यहाँ पर एक और डस्टबिन, आई थिंक ये लास्ट डस्टबिन है जो कि मैं चेक कर रहा हूँ, इसके अंदर देख लेते हैं कुछ मिल जाए यार काम का तो बढ़िया है। ओ तो गाइस मुझे यहाँ से एक स्पेशल पास मिल चुका है, आई थिंक ये दिखा के मैं अंदर जा सकता हूँ। बाकी अगर काम कर जाए तो बढ़िया है यार। आइसक्रीम अंकल मेरे पीछे आ रहा है, भाई जल्दी से मोटू गेट खोल दियो बस इस बार। हे जे वेलकम बैक टू द सीक्रेट लेयर। अबे डोर तो ओपन कर, द एनिमी इज क्लोज, नॉट अ गुड टाइम टू डू दिस एक्शन। अबे यार अगर वो पास होगा मतलब तू डोर नहीं ओपन करेगा ना। भाई ये सही है। ओके गाइस तो फाइनली मैं आइसक्रीम अंकल से बहुत ही मुश्किल से पीछा छुड़ा के यहाँ पर आ चुका हूँ। और यहाँ पर चार्ली ने पता नहीं क्या ही भाई एक ताज सा पहन रखा है और एक सस्ती सी गन पकड़ रखी है हाथ में, इससे बात करते हैं। और इस तरफ क्यों दिखा रहा है गन? आई एम द किंग, आई एम द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, नो वन विल एक्सीड माय रिकॉर्ड। तो गाइस ये किसी रिकॉर्ड के बारे में बात कर रहा है, पता नहीं कौन से रिकॉर्ड, शायद किसी गेम के बारे में बात कर रहा होगा, बाकी पता नहीं देखते हैं। ये ड्रॉर्स वगैरह चेक कर लेते हैं, काफ़ी सारे हैं यहाँ पर, शायद कुछ काम का मिल जाए तो बढ़िया ही है। वैसे हमारी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ आती है कि कुछ मिल जाए। ये ड्रॉर भी खाली, ये भी खाली, ये भी खाली, ये भी खाली, और लास्ट वाला ये भी खाली। भाई साहब इतनी बड़ी यार गेम में रखते ही क्यों हो, अगर उसमें कुछ रखना ही नहीं है तो। और यहाँ पर एक और हमारा फ्रेंड बैठा है माइक, इससे बात कर लेते हैं। Surely you know what to do with it. तो इसे रेयर पीस मिला है और हमें वो दे सकते हैं, लेकिन इसको उसके बदले में कुछ चाहिए, कुछ प्रिटी मांग रहा है, कुछ बढ़िया सा इसको। अरे भाई तेरे को चाहिए क्या? उसके बदले में कुछ मांग रहा है ये, पता नहीं क्या चाहिए इसको। आई थिंक इसको हम उसके बदले में वो चीज़ें दे सकते हैं जो हमने सिनेमा से इकट्ठी की थी। हाँ शायद गाइस वो दे सकते हैं हम इसे। पहले आइसक्रीम अंकल को देख लेते हैं, बाहर आया तो नहीं, तो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं ट्राई करने में क्या जा रहा है। आइसक्रीम अंकल नहीं है, बाद में पता चले कि बाहर से थप्पाई कर दे अचानक से, नहीं है यहाँ से। ओ वाओ रूबिक्स क्यूब है, काफ़ी ज़्यादा प्रेटी है ये, मुझे मेरा तो फेवरेट है गाइस, ये मुझे बहुत पसंद है। तेरे को भी पसंद है ना? अबे अगली बोल रहे भाई साहब, और क्या चाहिए तेरे को? टेडी ला दो टेडी। भाई वहाँ पर तो काफ़ी सारे पुशेस वगैरह पड़े हुए थे, ये ले टेडी, ले ली टेडी, ये तेरे मतलब का होगा। भाई काफ़ी क्यूट है, रख ले इसको और मुझे वो रेयर पीस दे दे। अबे भाई रैप्टे रैप्टे बजाऊंगा, भाई किसी चीज़ में नहीं मार रहा है ये तो। आइसक्रीम अंकल आ गया, आई थिंक मुझे नहीं देख पाएगा। और क्या है? हाँ एक मेरे पास परफ्यूम है, आई थिंक इससे ये मान जाए, लेकिन एक लड़कियों वाला है यार, ये इसका क्या ही करेगा। सुपर कूल, ओह भाई मान गया है तो इससे। भाई साहब ये सही है, इसने कुछ दिया है क्या? डोर नॉब, ओ तो ये किसी डोर का नॉब है, लेकिन ये कहाँ और काम आएगा? यहाँ पर तो सारे हैंडल्स वगैरह लगे हुए हैं, और कहाँ पर, यहाँ पे है कोई? नहीं यहाँ पर तो हर जगह डोर नॉब्स लगे हुए हैं। और गाइस इसी बात के वो कह रहा था रिकॉर्ड, ये लिखा है ना चार्ली का 305 और हमारा है 120 सबसे नीचे से। कोई बात नहीं इसका रिकॉर्ड भी तोड़ देते हैं। अरे ये तो सस्ती सी गेम है भाई, ये तो टफ हो रही है भाई। ओ भाई अबे भाई साहब ये तो बड़ी टफ है यार। तो चलो गाइस इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं। तो गाइस यार मैं ना इस गेम को कब से ट्राई करे जा रहा हूँ, लेकिन भाई यार अब बस
मेरा हो गया, अब मुझसे ये कंप्लीट नहीं हो रही यार, ये तो भाई दिमाग खराब करने वाली गेम है। तू अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने पास ही रख, मेरे को नहीं चाहिए वो भाई। मैं यहाँ से जा रहा हूँ भाई, और कुछ नहीं है यहाँ पे काम का। और क्या है मेरे पास, एक बार देख लेते हैं, ये डोर नॉब रख देते हैं यहाँ पर। तो गाइस अभी हम चलते हैं सीधा, कहाँ पे जाना था मेरे को याद नहीं, लेकिन पहले एक बार यार इस जगह को एक्सप्लोर कर लेते हैं। मैंने इसको जो सही से देखा नहीं था यार, एक तो ये पीछे पड़ जाता है यार। भाई यार थोड़ी देर तो जी लेने दे। और गाइस ये वाला घर बाकियों से थोड़ा सा अलग है। तो गाइस यार मैं इस घर में कब से ढूंढ रहा हूँ कुछ भी। ओ तो मुझे यहाँ से कैट फूड मिल चुका है, आई थिंक ये हम उस कैट को खिला सकते हैं जो वहाँ पे टॉम स्टोन के ऊपर बैठी हुई थी। टॉम स्टोन के ऊपर नहीं बैठी थी, मेनली वो पेड़ के ऊपर बैठी थी। तो हमें शायद इसको लेकर वहाँ जाना होगा, क्या नाम है उसका भाई, आई थिंक सिमेट्री पे, या सिमेट्री पे जाना होगा। लेकिन इस घर को अच्छे से एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो मैं दोबारा से इस घर के अंदर आ चुका हूँ। और गाइस ये देखो, ये उसी आंटी की फोटो है जो उस टॉम स्टोन पे बनी हुई है। कैट भी उसके साथ वही है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ओ ये क्या है, हैंगर। तो गाइस यहाँ से मुझे एक हैंगर मिल चुका है, ये पता नहीं यार किसका मांगा। अबे यार जाने दे, डोर बंद हो। ओके तो मैं यहाँ से बाहर आ चुका हूँ। आइसक्रीम अंकल तो नहीं है, नहीं है आइसक्रीम अंकल नहीं है। अबे यार ये फिर पीछे आ गए, तेरे को मैं बता दूँ। इधर उस ओ गाइस उस घर की छत भी है, मुझे नहीं पता था, शायद उस छत के ऊपर जाना हो मुझे, पता नहीं, एक बार ट्राई कर लेते हैं। और किसी घर का टॉप फ्लोर नहीं है, सिर्फ इसी घर का है, ये थोड़ा सा अलग है। तो गाइस मैं इस घर के टॉप फ्लोर पे तो पहुंच चुका हूँ, और भी बड़ा टॉप फ्लोर है ये। क्या भाई मैं कितनी ज़्यादा हाइट पे हूँ भाई साहब, ये क्या है केबल। अबे हो भाई, तो गाइस मैं यहाँ से सीधा उस टेंट के ऊपर आ चुका हूँ, सर्कस के ऊपर आ चुका हूँ। ये क्या पैच, दिस एरिया कुड बी ब्रोकन विद अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। ओ तो गाइस आई थिंक ये, ओ तो मैं समझ गया गाइस, आई थिंक मुझे केबल से लटकते हुए सीधा इसके ऊपर जंप करना है। अबे यार ले जाओ दोबारा वापस, उस तरफ से आ जाऊंगा मैं। नहीं यार नहीं लग रही अभी, ये नीचे है ना, अभी नहीं लगेगी आई थिंक, ये दूसरी तरफ चलते हैं। अभी मेरे को जंप करनी पड़ेगी। ओ आइसक्रीम अंकल ने देख लिया, ये कहाँ ही आएगा ऊपर। अबे ओ भाई साहब, अभी ये तो स्पाइडरमैन हो रहा है भाई, तो पूरा कतई स्पाइडरमैन बन रहा है भाई, पता नहीं कैसे चढ़ गया ऊपर भाई भग लो यार जल्दी से यहाँ से, ये केबल लगाता हूँ। अबे लग जा, कैसे लगेगी यार ये, यार पहले कैसे लगी थी। हाँ आया, ये लग गई। अभी जंप करना है, एक या जंप। ओ भाई बहुत सही, एकदम टाइमिंग पे बैठा हूँ मैं। यहाँ पे क्या, अबे ये जगह तो बिल्कुल खाली बंजर सी लग रही है यार, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। ओ यहाँ पे कुछ है, केज पुश, ये क्या है गेट। ओ भाई तो गाइस ऊपर से मैं आया हूँ भाई साहब, एक सीक्रेट रास्ता भाई साहब, भाई नेक्स्ट लेवल हो रही है यार ये तो। ये डोर ओपन होगा नहीं, ये तो बंद है भाई। यहाँ पर तो थोड़ी सी हॉरर सी वाइब्स आ रही हैं, ये क्या है। ओ भाई यार ये कहाँ रास्ते जा रहे हैं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, पहले आगे चल के देखते हैं। ये तो बंद है भाई, यहाँ पर एक छोटी सी टनल है, मुझे लगता है आइसक्रीम अंकल आ रहा है यार, मुझे इसका साउंड आ रहा है। बाकी पता नहीं वो यहाँ पर आ भी पाएगा या फिर नहीं, बाकी उसका पता कुछ नहीं है, वो कहीं से भी आ जाता है यार। यहाँ पर लैडर से पता नहीं मैं कहाँ पर घूम रहा हूँ यार, ये क्या है स्मॉल गैस कैनिस्टर, यू नीड टू रिमूव द स्क्रूज टू टेक द गैस कैनिस्टर। तो गाइस आई थिंक मैं ये स्क्रूज उस रैंच से ओपन कर सकता हूँ जो मुझे सिनेमा से मिला था, तो जल्दी से उसे जल के लेते हैं यहाँ से। पहले ये डोर ओपन कर देते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं है, आइसक्रीम अंकल तो नहीं है, नहीं आई थिंक, नहीं है। जल्दी से यहाँ से बाहर निकलते हैं। ओ तो यहाँ पर एक कुंडी सी लगी हुई है छोटी सी, इसको लैच बोलते हैं, इसको ओपन करते हैं, जल्दी से यहाँ निकलते हैं। तो गाइस यार एक तो इस आइसक्रीम अंकल ने मेरा कब से दिमाग ख़राब करके रखा है, ये ले अब आया मज़ा भाई साहब, पीछे पड़ाया है यार कब से, थोड़ी देर भी जीने नहीं देता। कहाँ है वो मेरा, ये रहा एलन रैंच, हाँ शायद इससे खुल जाए तो बढ़िया है यार, बस गैस कैनिस्टर मिल जाएगा हमें यहाँ से। अबे यार एक तो ये पीछा नहीं छोड़ रहा मेरा भाई साहब, कब से दिमाग ख़राब करके रखा है। वो उसकी गन मिल जाती ना मेरे को तो बढ़िया रहता मैं, लेकिन क्या करें। तो गाइस यार मैं वापस उस घर पे आ चुका हूँ, जो भी घर है ये क्या है पता नहीं मुझे,
यहाँ से इस गैस कैनिस्टर को लेते हैं, ओपन करते हैं। यू नीड टू रिमूव द स्क्रूज। ओ अच्छा, तो मुझे एक एक स्क्रू के ऊपर रख के लगाना है, तो ये स्क्रू भी ओपन कर देते हैं, ये लास्ट वाला। ओके गाइस, अब साउंड हुआ भाई, आइसक्रीम अंकल की आवाज़ आ रही है यार भाई, वो इस तरफ ना आ जाए। लेकिन कोई बात नहीं, मैं निकल जाऊँगा यहाँ से आराम से, वैसे भी रास्ते हैं। है तो नहीं वो आइसक्रीम अंकल, वो आ रहा है, आई थिंक वो आ रहा है भाई, वो इसी तरफ आ रहा है। मैं जल्दी से निकल लेता हूँ यहाँ से भाई, भग लो भाई, वो इसी तरह आ रहा है। अबे यार पीछे आ गया भाई, जाने दे। ओ भाई बच गया, मुझे लगा मैं पकड़ा गया भाई साहब, बहुत गंदा वाला बचा हूँ मैं उससे। आई थिंक उसकी की कोई पर्टिकुलर रेंज है, ज़्यादा दूर तक वो शायद मुझे नहीं देख सकता। एक तो ये पीछा नहीं छोड़ रहा, वो नहीं छोड़ दिया। म्यूज़िक बंद हो गया, इसका मतलब उसने मेरा पीछा छोड़ दिया। अभी चलते हैं सीधा सिनेमा पे। तो चलो गाइस, अपनी गाड़ी को यहाँ से भगा लेते हैं। तो ओके गाइस, तो हम पहुँच चुके हैं सीधा सिनेमा पे। तो अभी मुझे यहाँ से लेनी है वो कैट एक्चुअल में अलार्म है एक तरह का, वो अलार्म क्लॉक लेनी है मेरे को। लेकिन वो अलार्म क्लॉक मैं रिप्लेस कैसे करूँगा, गैस कनेक्टर से होगी, पता नहीं। तो गाइस मुझे लगता है कि मैं गलत जगह पे आ चुका हूँ, अभी मुझे जाना था सिमेट्री पे और मैं आ चुका हूँ सिनेमा पे, क्योंकि मुझे वहाँ से लेनी है कैट। कैट को वहाँ पर फूड खिलाना है और शायद मैं उसको पकड़ दूंगा उसके बाद, बाकी पता नहीं, देखते हैं वहीं पे चल के पता चलेगा। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं सिमेट्री पे, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जगह है यार, यहाँ पर रास्ते बहुत ज़्यादा हैं भागने के, उससे वो सही है। ओके गाइस, तो आइसक्रीम अंकल तो नहीं है यहाँ पे, ये लिया कैट फूड यहाँ पर, यहाँ से भाग लेते सीधा, धीरे धीरे निकलना। ये रख दिया यहाँ पे कैट फूड, यू प्लेस द कैट फूड ऑन द टॉम स्टोन। ओके तो कैट आ रही है इसको खाने के लिए, ओ तो कैट खाने लग गई, तो आई थिंक मैं इसको पकड़ सकता हूँ। ओके गाइस, तो मैंने कैट को पकड़ लिया, इसको रख देते अपनी वैन में, तो ये रख दे कैट को। अबे यार नीचे गिर गई, इसको यहाँ पर, अबे ये तो भाग रही है। अरे ये गैस कनेक्टर दे मेरे को, आई थिंक ये वहाँ पे लग जाएगा दीवार जहाँ पे टूटी हुई है। आई थिंक मुझे वहाँ पर कोई ब्लास्ट करना होगा मुझे लगता है, क्योंकि अगर छोटा मोटा भी ब्लास्ट हो गया तो दीवार टूट जाएगी वो। हाँ शायद हो सकता है, बाकी पता नहीं, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। अगर रखो गया तो उबे यार, एक तो ये पीछा नहीं छोड़ रहा, अबे ये कैट भी मेरे पीछे पीछे आ रही है भाई, तो कार में बैठ देना जाके भाई साहब, इसको फिर से पकड़ना पड़ेगा मेरे को यार। तो गाइस यार, एक तो मैं उससे पीछा छुड़ा रहा हूँ कब से आइसक्रीम अंकल से, ऊपर से ये कैट मेरे पीछे पीछे भाग रही है कब से। आइसक्रीम अंकल ने आई थिंक मेरा पीछा छोड़ दिया है या फिर नहीं, मुझे पता नहीं यार, देखना पड़ेगा कहाँ पे है वो, यहाँ पे नहीं है वो। अबे यार एक तो फिर से पीछे आ गया भाई, छोड़ दे इस बार, छोड़ दे इस तरफ आएगा, मैं जा नहीं रहा कहीं पर भी, वो खड़ा है सामने, चला गया। अबे यार देख लिया इसने भाई, यार इतना बड़ा रास्ता है तुझे को बैठ के ही आना, लेकिन तेरे को तो जाने दे भाई, मेरे को जाने दे मेरे को। अबे यार मैं कहाँ घुमा रहा हूँ इसको, अबे ओ भाई बच गया। पहले यार गैस कनेक्टर रखते हैं, आई थिंक देखते हैं रखोगा। ओके गाइस ये रखोगे यहाँ पे, तो गाइस आई थिंक मुझे यहाँ पर और चीज़ें ला के लगानी होगी इसको ब्लास्ट करने के लिए। तो गाइस यार मैं यहाँ पर आइसक्रीम अंकल से बचता आ चुका हूँ वापस से, और ये कैट एक तो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। आइसक्रीम अंकल जा चुका है, नहीं है यहाँ पे, नहीं है यहाँ पे वो भाई। मैंने वो कैंडल्स तो वहाँ पे रखी थी, लेकिन उसका यूज़ क्या है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आइसक्रीम अंकल नहीं है यहाँ पे, भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। ओ तो गाइस इस बार ये कैंडल्स जल चुकी हैं, एक मिनट इसको वैन में रख के आता हूँ, यहाँ पे रखा इसको। अबे यार पीछा मत कर मेरा, ये पीछे पीछे आ रही है। अबे यार दो लोगों ने दिमाग खराब कर रखा है, एक तो कैट मेरे पीछे पीछे आ रही है, ऊपर से ये आइसक्रीम अंकल भी आ रहा है, भाई यार कहाँ ही फंस चुका हूँ मैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने देखा कैंडल्स इस बार जल रही हैं, और मुझे आइसक्रीम अंकल के रोने की आवाज़ भी आ रही थी, आई थिंक उसी ने जलाई होंगी। और उसकी यहाँ पर मैच बॉक्स गिर चुकी है, और मैच बॉक्स को यहाँ पर रख देता हूँ मैं, इसका बाद में देखेंगे कहाँ पर यूज़ है। कैट कहाँ पे गई यार, आ जा जल्दी भाई, तू वैन में बैठ, इधर उठ, चल तू अभी बैठ यहाँ पर, डोर बंद कर लेते हैं, अभी चलते हैं सीधा सिनेमा पे, इसको उस क्लॉक से रिप्लेस कर देंगे। अबे भाई मैं डर गया, मैंने डोर कैसे ओपन हो गए यार लास्ट में,
मैंने बंद किए थे। तो गाइस आइसक्रीम अंकल से भागता हुआ मैं आ चुका हूँ सीधा सिनेमा पे, और गाइस आइसक्रीम अंकल अभी भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो जल्दी से इस कैट को उससे रिप्लेस कर लेते हैं अलार्म क्लॉक के साथ। तो गाइस फाइनली रिप्लेस हो चुकी है, और मुझे इस कैट के लिए थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है, वो मेरे पीछे पीछे आ रही थी बेचारी, कहाँ ही ले जाके बैठा दिया मैंने उसको, वो रो रही थी बेचारी। तो गाइस अभी हम सीधा निकल लेते हैं सिमेट्री की तरफ, क्योंकि यही एक लास्ट जगह बची है जहाँ पर किसी चीज़ का यूज़ हो सकता है, तो जल्दी से यहाँ पे पहुँचते हैं। ओके गाइस, तो अभी हम पहुँच चुके हैं सीधा सिमेट्री पे, अभी देख लेते हैं कार में मेरे पास क्या क्या सामान है। एक मैच बॉक्स है, और एक अलार्म क्लॉक है, और एक डोर नोब है। पता नहीं ये कहाँ पर यूज़ होंगे, आई थिंक ये यहीं पर यूज़ होंगे, लेकिन तीन तीन चीज़ें हैं, एक चीज़ कहीं और पर यूज़ होगी, पता नहीं, बाकी देख लेंगे। अभी यार एक तो आइसक्रीम का आ रहा है इस तरह से, दूसरी तरफ चलते हैं। क्या कैट आई थिंक यहाँ पे लग जानी चाहिए, एक बार ट्राई करके देखते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर एक कैट भी लग चुकी है आई थिंक। अबे ये मैं कहाँ आ गया भाई, यार मेरे को बाहर निकालो यहाँ से। तो गाइस वहाँ पर एक क्लॉक लग चुकी है, और एक गैस कनिस्टर है। तो गाइस आई थिंक जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वहाँ पर एक टाइम बॉम्ब की तरह बन चुका है कुछ। तो गाइस ये उठा लिया यहाँ से हमने मैच बॉक्स, इसको लगा दिया यहाँ पर। तो गाइस आई थिंक ये अब एक्टिवेट हो जाना चाहिए। ओ भाई, तो गाइस ये एक्टिवेट हो चुका है, हमारा टाइम बॉम्ब एक्टिवेट हो चुका है। पता नहीं ये कब फटेगा, कितना टाइम लेगा फटने में। अबे भाई साहब फट गया भाई, बहुत सही यार। तो आई थिंक वो दीवार टूट गई होगी, आइसक्रीम अंकल इस तरह मेरे पीछे आ रहा होगा, तो उससे तो मेरे को डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर चल के देखते हैं क्या है यहाँ पर। भाई ये चर्च सा आया कुछ बना हुआ, चर्च ही है वैसे तो। ये क्या यहाँ पर, यू नीड दी डोर नोब टू ओपन दिस। ओके, तो गाइस मुझे यहाँ पर डोर नोब लगाना होगा, जल्दी से उसको लेके आते हैं यहाँ पर, और शायद गेम ख़त्म हो जाएगी। तो गाइस ये उठाया है यहाँ से डोर नोब, तो आई थिंक इसको लग जाएगा यहाँ पर। तो गाइस डोर नोब यहाँ पर लग चुका है, और लिड को ओपन करते हैं। ओ भाई, तो गाइस हमें फाइनली यहाँ से केज की मिल चुकी है, तो जल्दी से चलते हैं वैन के अंदर। आइसक्रीम, अबे यार ये फिर से मेरे पीछे आ गया, तो इससे मुझे फिर से पीछे छुड़ाना पड़ेगा यार भाई साहब। तो गाइस आइसक्रीम अंकल मेरे पीछे आ चुका है, अभी जा चुका है वो आइसक्रीम अंकल, अभी निकलते हैं। अबे भाई साहब यार, तो गाइस यार आइसक्रीम अंकल ने मेरे को पकड़ लिया था, और इस फ्रिज में ला के बंद कर दिया था। अबे फ्रिज इस बार ऑन थी भाई साहब। यार गाइस हम एकदम लास्ट स्टेप पे जाके पकड़े गए भाई यार। अब यहाँ से बाहर कैसे निकलूँगा मैं, ये भी सारे खाली होंगे आई थिंक, ये वायर कट कर सकता हूँ शायद मैं, लेकिन प्लायर्स तो मैंने बाहर फेंक दिए थे ना, प्लायर्स मैंने अंदर रखे थे। ओह, तो अबे एमरजेंसी डोर की, तो गाइस मुझे यहाँ पे डोर की मिल चुकी है। अबे आइसक्रीम अंकल की आवाज़ आ रही है, वो आ रहा है शायद, डोर बंद करो एक बार देख लेते हैं। नहीं आ रहा, अरे 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 भाई उसकी आवाज़ आ रही है यार मेरे को आई थिंक, लेकिन उसने डोर लॉक कर रखा है, तो डोर लॉक पे वो कहाँ ही मारेगा मेरे को। तो गाइस यहाँ से जल्दी से बाहर निकलते हैं, आइसक्रीम अंकल सो रहा है, उसके उठने से पहले यहाँ से निकल लेते हैं, जल्दी वैन को बंद करते हैं और सीधा चलते हैं सिमेट्री पे। गाइस यार एकदम लास्ट स्टेप पे जाके पकड़ा गया मैं, आई थिंक केज की अगर लक से वहीं पर हुई तो बहुत बढ़िया है यार। तो गाइस हम सीधा पहुंच चुके हैं सिमेट्री पे, तो गाइस हमें मुझे अभी ढूंढने है केज की, वहीं पे आई थिंक गिर चुकी होगी जहाँ तक है मुझे पता है, बाकी पता नहीं, बाहर निकलते हैं भगलो। ओके गाइस, तो फाइनली केज की हमारी यहीं पर पड़ी हुई है, इसको यहाँ उठाते हैं, इसको बंद करो, सीधा चलते हैं नेबरहुड पे। ओके गाइस, तो फाइनली हमने आइसक्रीम अंकल से एस्केप कर लिया है, और लिस्क को भी हमने छुड़ा लिया आइसक्रीम अंकल से। तो गाइस यार काफ़ी मज़ा आया आज के इस वाले गेम प्ले में, तो गाइस आखिरी में मर गया यार, सिर्फ एक बार पकड़ा गया आइसक्रीम अंकल से, वो भी लास्ट टाइम पे। और ये जंप क्यों नहीं करी यार भाई, वो डर गई जंप करने से भाई साहब, मेरा इतना मेहनत करने का फ़ायदा क्या हुआ, वो कूद ही नहीं मैन से। तो गाइस आइसक्रीम अंकल उसको सर्कस पे लेके आ चुका है फिर से, और इन दोनों देख लिया है, इसकी सिस्टर थी वो। ओके, अबे माइक का, अबे तू कहाँ जा रहा है भागता हुआ, ओ तो इसने कुछ फेंका उसकी तरफ, पता नहीं क्या है ये। व्हाट्सअप प्लीज, आई लव यू फ्रॉम द फर्स्ट डे आई सॉ यू, आई होप यू फील द सेम, डू यू लव मी यस और नो। ओ भाई साहब, तो इसने उसके लव लेटर लिखा था। तो चलो गाइस आज की इस वाले वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको आज का वाला गेम प्ले वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी मेरे को जाना है, तो आप लोग भी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके उसको लव लेटर लिखो। बाय।